अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग, पद्म मुस्कान, वालेकुम अस्सलाम, आप सबको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद। आप देख सकते हैं इस वक्त माशाल्लाह बारान रहमत इस्लामाबाद में बरस रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश इस वक्त हो रही है, जिसको अगर मैं कहूँ कि क्लाउड बस्ट सिचुएशन है तो गलत नहीं होगा। सबको वेलकम करता हूँ, जुनैद इकबाल, काशिफ मलिक हैं, ऐशा इमरान हैं, आप सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। और ये देखिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की मूसलाधार बारिश है, जिसकी फोरकास्ट हमने की थी गरज चमक के साथ। बिल्कुल सावन वाली झड़ियाँ माशाल्लाह एक बार फिर यहाँ पे लग गई हैं। शीरी गुल, आपको वेलकम करता हूँ, इमरान रियासत, प्यारे मुमताज़, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। और ये देखिए मेरे लॉन की जो सिचुएशन है, घास वहाँ पर ख़त्म हो गई है, इतनी पानी आ गया है कि वहाँ पे आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और उसके जो लेवल है वो तकरीबन 2 से 3 इंच तक यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है। बारिश की शिद्दत आप देख लीजिए, ये देखिए अंदाज़ा, जी शेरिंगोल, वो माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही तेज़ बारिश है। पहले हेलिंग भी शुरू हुई है, वहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था, मैं आपको याला बरी नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बना ली है और आप इस वक्त देख सकते हैं मूसलाधार बारिश। जो टिपिकल मॉनसून सीज़न है तो वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि फोरकास्ट किया था वैसे का वैसा इस वक्त हो रहा है। तकरीबन हाफ पंजाब का इस वक्त यही हाल है, खिता पोठवार का भी यही सिचुएशन है जो आप इस्लामाबाद के इस वक्त देख रहे हैं। अमीर अरशद हैं, वालेकुम सलाम, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखें, शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़बरदस्त तूफ़ानी हवाओं के साथ ये देखें, हवाएं देखें, तूफ़ानी हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है, और विजिबिलिटी इस बारिश में बहुत कम हो रही है क्योंकि ताकत ज़्यादा है और मॉनसून जिस तरीके से बरसता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि मॉनसून क्या होता है या मॉनसून की बारिशें कैसी होती हैं, तो ऐसी होती हैं जैसे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, जल थल हो जाना। नूर ज़ैना हमारे साथ हैं, वकार मुग़ल हैं, जुनैद इकबाल हैं, प्यारे मुमताज़ हैं, उन्होंने पिन कर दिए। ये देखिए सुभान अल्लाह ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी। ये देखें तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं, तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद बारिश है। ये देखें मलिक यासिर हैं, अब्दुर्रूफ अब्बासी, रिजवान अजीम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं जी, खुश आमदेद। और ज़बरदस्त किस्म की क्या ज़बरदस्त बारिश है जी, ये देखें लॉन के अंदर देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस शिद्दत की इस वक्त ये बारिश हो रही है, बिल्कुल जल थल है। ये देखिए बिग ड्रॉप्स इस वक्त बरस रहे हैं, और यहाँ पे शिद्दत देखिए, छोटे छोटे इसमें ओले भी आ रहे हैं, छोटे छोटे ओले, हेलिंग भी हो रही है, वो भी आपको इस वक्त नज़र आ रही होगी। आसिफ अब्बास, आपको वेलकम करता हूँ, ऐसे वेदर में चाय और पकोड़े बनाते हैं, चाय और पकोड़े की बात ठीक है, लेकिन इस मौसम को काफ़ी वेट कर रहे थे हम इस मौसम का। ये देखें आपको यहाँ पर पानी के ऊपर या घास के ऊपर वो जो छोटी छोटी हेलिंग हुई है सफ़ेद सफ़ेद, वो इस वक्त नज़र आ रही होंगे। तो बड़ा अजीब है जी कि इस वक्त भी मॉनसून के दौरान भी यहाँ पे हेलिंग हो रही है, ये बड़ी रेयर चीज़ होती है क्योंकि मॉनसून के बादल में नमी बड़ी होती है तो ओले बड़े कम आते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके साथ है जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी हेलिंग हो रही है। ये बहुत ही तेज़, बहुत ही तूफ़ानी बारिश इस वक्त जारी है जी। मलिक वारिस,
हमारे साथ हैं, रुबीना ज़फ़र हमारे साथ हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। इब्रार भट्टी हैं, शेयर कीजिए, इस्लामाबाद के ये मनाज़िर हैं। और ये देखें सामने, बारिश की शिद्दत का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए। ये देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। अरशद बोदला हमारे साथ हैं, जो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, तो इस्लामाबाद है जी, ये इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं, शहर इक्तदार, हमारा खूबसूरत दारुल खिलाफा। और उसमें आप इस वक्त देख रहे हैं तूफ़ानी बारिश के मनाज़िर, बहुत ही शदीद बारिश। चलें जी, अब्दुलरऊफ अब्बासी ने कहा जी शेयरिंग डन, बहुत शुक्रिया। शबीर आसिफ हैं जी, बिल्कुल रऊफ भाई, आप दुबई में बैठ के इस मौसम को मिस कर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे ये मौसम देखने के लिए। अल्लाह अकबर, ये देखिए बारिश की स्पीड, देखिए कि आपको किस हिसाब से वो नज़र आ रही है लॉन के अंदर। ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड मैजिक ऑफ मॉनसून। मॉनसून की जब बारिश होती है फिर जम के बरसती है, सुभान अल्लाह, लुक एट दिस व्यू। और सामने देखिए क्या शिद्दत है इसकी, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कामिल जुनेजो हैं हमारे साथ, इनको वेलकम करता हूँ। वकार मजीद हैं, काश मैं होता ही, हाँ यहाँ मौजूद है प्यारे भाई, आप मेरे साथ हैं ना, ये मंजर देख रहे हैं आप, कौन सा मुझसे दूर हो गए, आप भी तो मेरे साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, मैं आपको अदर साइड दिखाता हूँ, लुक एट दिस व्यू, सुभान अल्लाह। जी रऊफ भाई, बारिश में भीगने का अपना ही मज़ा है, और मैं भीग भी रहा हूँ, मैं भीग भी रहा हूँ। ये देखिए, मैं मेरे हाथ को देखिए, फ़ोन वाटर प्रूफ है, और मैं भीग भी रहा हूँ और नहा भी रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, आप सबको दिखा भी रहा हूँ और मैं मज़े भी ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सुभान अल्लाह, जल थल है जी। वालेकुम सलाम आसिफ खान, सर इन इस्लामाबाद, इट्स आल्सो रेनिंग। तो मैं भी इस्लामाबाद दिखा रहा हूँ आसिफ खान, मैं कौन सा आपको मरी दिखा रहा हूँ, मैं भी आपको इस्लामाबाद दिखा रहा हूँ। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, अपने घर से आपको ये लाइव दे रहा हूँ। ये देखिए, मोहम्मद वसीम भट्टी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं। और ये देखें, फ्लैश फ्लडिंग, मेरे लॉन के अंदर कितना पानी जमा हो गया, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पानी जमा हो गया घर के अंदर। ये देखिए, इतनी तूफ़ानी बारिश है, जी खुर्रम रहमतुल्लाह, मरियम चौधरी, वालेकुम अस्सलाम, अज़हर अलवी हैं जी आपको, बरह रास्त मनाजिर हैं जी, सुबह के मनाजिर, मॉनसून मैजिक स्टार्ट हो चुके हैं, मॉनसून की बारिशें माशाल्लाह इस वक्त बरस रही हैं। और क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, जिसकी फोरकास्ट हमने की थी कि ये इतनी बारिश होगी कि एक एक दिन में अगर ये मुसलसल होगी तो 200 मिलीमीटर भी हो सकती है, इतना पोटेंशियल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मॉनसून करंट को। समझ लें कि टी सुनामी जिसको कहते हैं, कि सुनामी छुपा हुआ है इन बादलों में और वह बरस रहे हैं उस तरीके से। जी ज़हीर साहब, अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, और क्या ही खूबसूरत मंज़र है जी। ये देखिए, ये आपके एडमिन के घर का लॉन है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जमा हो गया, हालांकि घास पानी पी लेता है लेकिन वो नहीं पी रहा, इतनी बारिश हो रही है। ये देखिए, शदीद हबस थी,
कल रात से बहुत हब्स थी, टेम्परेचर 33 से नीचे नहीं जा रहा था इस्लामाबाद का रात के टाइम में भी, लेकिन उसके बाद अब्रेक्रम इतना बरसा कि अभी आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत इस वक्त माहौल है माशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए मुनीब राजा, वालेकुम अस्सलाम। ज़िया कादरी साहब वेलकम करता हूँ, नाइस रेनी डे। जी बिल्कुल ज़िया कादरी साहब, नाइस रेनी डे एट इस्लू। ये देखें गहरे बादल सावन के और मोटी बरसती बूंदें देखिए। लुक एट दिस व्यू, सुभान अल्लाह। चौधरी तहर जमील साहब आए हैं, आपको वेलकम करता हूँ, शेयर ज़रूर कीजिए। जी ज़िया कादरी साहब, इस्लामाबाद में जल थल हो गया, समझ लें डूब गया है। और ये सिर्फ खाली उस जगह के मंजर हैं कि जहाँ पे पानी नहीं ठहरता, ये देखें यहाँ पे पानी नहीं ठहरता, वहाँ पे पानी ठहर चुका है लॉन के अंदर। बहुत ज़बरदस्त बारिश है जी, बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत बारिश, बादल में करंट भी बड़ा है जी, गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। ये देखें कितनी मोटी मोटी ड्रॉप्स हैं, यहाँ से देखिए ह्यूज रेन ड्रॉप्स। ये आसमानी बिजली चमकी है जी बड़ी ज़ोर की, अल्लाह खैर करे, आवाज़ सुनिएगा इसकी। और कर मजीद आमीन आमीन जी, अल्लाह ताला हर किसी के ऊपर रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, खैर की बारिश हो जी, खैर की बारिश हो जी। रऊफ भाई शेयर तो बनता है सुबह सुबह, असल में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं तो जब वो उठेंगे तो वो ये मंजर ज़रूर देखेंगे। आदिल चौधरी हैं जी हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं। वकार मजीद आमीन सर कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और ये देखें बाहर के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, जल थल है इस वक्त। मॉनसून मैजिक शुरू हो चुका है और जल्द ये पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों को इंशाल्लाह ताला अपने लपेट में लेगा। और 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक 90% पाकिस्तान में बारिश होगी मेरे अल्लाह के हुक्म से। 90% इलाकों में बारिश होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी, लेकिन जितना भी होगी वो हमारे रब के हुक्म से होगी। ये देखिए सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत बारिश है, मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जी। दिस इज़ लाइव और मकामी वक्त है 9:23 मॉर्निंग के। सामने देखें गहरे बादल आसमान के ऊपर, बादल गरज रहे हैं, कड़क भी रहे हैं। ये देखिए ओवरकास्ट, और बारिश जोरों के ऊपर जी। मैक्सिमम शेयर रिक्वायर्ड्स। प्रवेश बलोच हैं जी, इंशाल्लाह ताला ईद को मरी में होंगे, होप फॉर बेस्ट मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन सुना है कि ईद के ऊपर तमाम सियाहती मकामात बंद हो रहे हैं। कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, लेकिन सच्ची न्यूज़ है। NCOC की जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है, क्योंकि जो डेल्टा कोरोना वायरस की किस्म है, इंडियन हिंदुस्तानी किस्म, उसके केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कल 12% उसकी शरह हो गई थी, तो उसके बाद ये मीटिंग की गई और फैसला किया गया है कि शादी हॉल, जिम्स, इंडोर रेस्टोरेंट और पाकिस्तान में सियाहती मकामात को दोबारा से बंद किया जाए ईद के ऊपर। और वैसे भी गिलगित शहर में कोरोना बेकाबू हो गया है, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो गिलगित शहर में 5 मकामात के ऊपर, जो गिलगित के समझ लें कि अजलाई समझ लें, वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन और किसी जगह पे मुकम्मल लॉकडाउन वहाँ पे लगा दिया गया है।
इसी तरीके से कश्मीर है, वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे हैं और कश्मीर की गवर्नमेंट भी सोच रही है कि कोहाला पुल को बंद कर दिया जाए ईद से पहले, ताकि वहाँ पे लोगों की रश की वजह से कोरोना ना फैले। बाकी गवर्नमेंट के फैसले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फैसले तो अल्लाह अकबर। अब आवाज़ सुनिएगा जी, आसमानी बिजली बिल्कुल मेरे करीब आई है जी, थंडर की आवाज़ सुनिएगा। साबिर शहजाद नाइस कह रहे हैं, रोहित बलोच अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला जी, बिल्कुल अल्लाह खैर करे। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और ये निशानी है कि ये बारिश लंबी तवील होगी। बबल बन रहे हैं बारिश के पानी में, तो ये बचपन से हमें बुज़ुर्ग कहते थे कि जब इस तरीके से हो बारिश तो समझ लो कि लंबी छड़ी लगती है, इतनी जल्दी ये जाने वाली नहीं है। और ये देखें कितना खूबसूरत बबल बन रहे हैं, बुलबुले, बारिश के बाद बुलबुले बन रहे हैं पानी में। ये अक्सर नहीं होता बारिश में, ये बहुत कम होता है बारिश में, क्योंकि जब रेन के बिग ड्रॉप्स आते हैं तब ये बुलबुले बनते हैं। ये देखें यहाँ पे भी बन रहे हैं, सीमेंट के ऊपर भी बन रहे हैं, मार्बल के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये बबल बन रहे हैं बारिश से। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आसिफ मलिक ने चकवाल की अपडेट, मेरे भाई चकवाल भी पंजाब में ही है, खिता पोठवार में ही है, हमने फोरकास्ट लगाई हुई है हमारी वेदर के ऊपर भी, वेदर गुरु के ऊपर भी, आप वो पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 90% इलाकों में इंशाल्लाह ताला बारिशों का इम्कान है। इस्माइली सैयद हैं जी, आपको वेलकम करता हूँ। एम फहद हैं हमारे साथ, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्करनैन हैदर हैं, मोहम्मद यूसुफ पनवार आए हैं, माशाल्लाह ब्यूटीफुल जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। ये देखें लो लेवल क्लाउड्स जो आप मरी में देखते हैं वो इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आ रहे हैं। रात को भी यहाँ पर लो लेवल क्लाउड्स आए हैं और बड़े स्पीडें मार रहे थे, उड़ रहे थे। ये देखिए ये बड़े नीचे उतर आए हैं जी लो लेवल क्लाउड्स मरगला हिल से, ये आपको नज़र आ रहा होगा जी उठते हुए बादल। और एक बार फिर से बारिश का सिलसिला तेज़, बादलों के गरजने का सिलसिला भी बड़ा तेज़ हो गया है जी। आपको बैकग्राउंड पे म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, थंडर मुसलसल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। शाजिया ज़मीर शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे रब का कि रिलीफ मिला, और इस बार तो सावन की जो बारिशें हैं वो बड़ी जम के बरसने वाली हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्त बारिशें होने वाली हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला की रहमत बरसे और अल्लाह ताला हम इस बारिश के जो भी नुकसान हैं, जो भी शर हैं, जो भी इसमें बलाएं हैं, आफात हैं, ज़मीनी व आसमानी, अल्लाह ताला उन तमाम आफात से अहल पाकिस्तान को, हम सबको महफूज रखे, और जितना भी रहमत है इस बारिश में वो अल्लाह ताला हम तक मुंतकिल कर दे। आमीन सुमा आमीन। तारे खान हैं जी हमारे साथ, आपको भी वेलकम करता हूँ। कैसे हैं भाई, ठीक हैं, खैरियत से हैं। ये देखें ये लो लेवल क्लाउड्स, ये मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पे बहुत नीचे आए हुए हैं, जिस तरीके से मरी में आपको नज़र आता है यहाँ पे भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं जी। राणा अमजद राजपूत रहमत की बारिश हो, ये फिर एक बार फिर फ्लैश लगाए जी, बड़ी ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है। अभी इसकी आवाज़ सुनिएगा, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर यहाँ पे बिजली चमक रही है। ये देखें जिंदगी रवां दवा। जी थंडरिंग की आवाज़ आप सुन रहे होंगे जी। राणा साहब रहमत की बारिश हो, आमीन सुमा आमीन। बिग ड्रॉप्स देखें बारिश के, बहुत मोटे मोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं। ये सुनिए अब बादलों की गरज ज़्यादा होगी, अब लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने वाली हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गैर ज़रूरी तौर के ऊपर बाहर ना जाइएगा, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो मॉनसून करंट्स हैं ये आपस में इनका इंटरेक्शन हो रहा है, ये मिलाप हो रहा है इनका, जिसके नतीजे में ये बारिशें हो रही हैं।
और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमेशा ख़तरनाक होती है, बड़ी कोल्ड होती है, बड़ी ठंडी होती है, ये मगरिब से आती है लहर। तो अभी आसमानी बिजली गिरने के कई वाकयात यहाँ पे पेश हो सकते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं, उस मे बी इस लाइव स्ट्रीमिंग में भी हो जाएं, क्योंकि आपको आवाज़ बैकग्राउंड पे आ रही होगी और बादलों के जो तेवर हैं वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि बादलों के इरादे बड़े ख़तरनाक हैं। प्रशांत चिश्ती हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करता हूँ, शेयर ज़रूर कर दीजिए। उन जो दोस्त सोए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, जब वो उठें तो उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, इतना खूबसूरत मनाजर देख के, इतना खूबसूरत बारिश देख के, वो भी इस्लामाबाद की बारिश। उमर रसूल ब्यूटीफुल कह रहे हैं जी बिल्कुल, ये देखें बारिश कुछ कम होगी, हल्की होगी, लेकिन बादल ज़्यादा गरज रहे हैं। और ये आपके एडमिन का लॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी कितना जमा हो गया है जी, ये देखिए जल थल हो गया। घास के ऊपर इतना पानी, जी प्यारे मुमताज खूबसूरत मौसम, अरसरान गुजर गुड कह रहे हैं, नो डाउट बहुत ही प्यारा मंजर है, नेचुरल ब्यूटी। निगत जहां है जी, अभी बैरिया टाउन नहीं पहुंची बारिश, निगत जहां बैरिया टाउन में बारिश हो रही होगी, आप कहां हैं, आपकी लोकेशन कहां है, आपके सर पे नहीं पहुंची तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। जी रानामजा राजपूत, लॉन के अंदर पानी जमा हो चुका है जी, ये देखें पूरे का पूरा लॉन डूब गया है, इतनी बारिश हुई है। हालांकि यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए पानी, पी भी लेते हैं, लेवल भी ठीक है, लेकिन बारिश की शिद्दत इतनी थी कि वो बिल्कुल, और इस फ्लैश फ्लडिंग की और जो रावलपिंडी के नशेबी इलाके हैं उसकी फोरकास्ट तो हमने पहले भी ऑलरेडी की हुई है कि उनके डूबने का बड़ा चांसेस हैं। और ये देखें बारिश की शिद्दत जो थोड़ी देर थमी थी वो एक बार फिर से जोबन पे आ रही है जी, यहाँ देखिए, बल्कि आपको यहाँ मैं दिखाऊँ कि यहाँ इस जगह पर देखिए कि क्या शिद्दत की बारिश हो रही है, ये देखेंगे आप एक बार फिर से स्पीडें पकड़ ली है, गियर लगा रहे हैं बादल, और थोड़ा सा जो आराम आया था, आराम से मुराद ये है कि बारिश तो नहीं रुकी थी लेकिन जो सुकून थोड़ी देर हुआ था उसके बाद फिर से जम के बारिश शुरू है। सदीक कमल क्वेटा में, क्वेटा में भी बारिश होनी है जी, बलूचिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बारिश होनी है। गुलाम शबीर मेमन है जी, घोटकी में बारिश भेजो, इंशाल्लाह तरह घोटकी में भी आ जाएगी प्यारे भाई, सब्र करें। 90% पाकिस्तान के एरियाज में बारिश होगी अगले 10 दिनों में और कई राउंड लगेंगे, बस दुआ मांगे कि खैर की बारिश हो। इस साल पाकिस्तान के दरियाओं में ना फ्लड का बहुत ख़तरा है जी, क्योंकि कैचमेंट एरियाज़ में बारिश हो रही है, दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में भी शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है और कबल इस वक्त हो सकती है। पाकिस्तान में हमेशा सैलाब अगस्त के एंड में या सितम्बर में आते हैं, इस साल जिस तरीके से बारिश हो रही है अगले 10 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि जुलाई में या जुलाई के एंड के ऊपर दरियाओं में तुगयानी देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन अल्लाह से खैर करें कि बारिश ना हो, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें और हम समंदर में ज़ाया कर देते हैं। इतना ज़बरदस्त पानी जो आता है हमारे दरियाओं से, ग्लेशियर से, वो हम समंदर में बहा देते हैं, ज़ाय कर देते हैं, उसको स्टोरेज नहीं करते हम, तो वो भी एक अलग नुकसान है हमारा। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़बरदस्त डैम बनाने चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे डैम बना के हमें, ताकि जो 6 महीने सर्दियों के होते हैं उसमें पानी की किल्लत ना हो, और जो रेगिस्तान है पाकिस्तान के उन सबको हमें आबाद करना चाहिए, वहाँ पर पानी देना चाहिए, डैम बनाने चाहिए। शाहपुर में भी, राना अरशद नवाज़ शाहपुर पाकिस्तान में नहीं है क्या, ये मुझे बताइए।
हिंदुस्तान पूरे में बारिश है, 90% पाकिस्तान में भी बारिश होगी। अब शाहपुर अगर इन जगहों पे नहीं है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चलें जी, निकल जाने का जी अब शुरू हो गई है। चलें जी, इंजॉय कीजिए, नहाइए मेरी तरह। मैं तो खुद नहाया हूँ बारिश में, टॉप टू बॉटम में भीगा हुआ हूँ, सर से लेके पाँव तक। तो इजाज़त चाहता हूँ जी। ये देखें, बादल बड़े गरज रहे हैं और इनके तेवर बड़े ख़तरनाक हैं जी, बड़े ख़तरनाक तेवर हैं। और अभी ये बरसेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपके साथ लाइव आऊँगा थोड़ी देर तक। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पैंदाबाद जी।